जिन साथियों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो झारखंड पुलिस हेडक्वार्टर ने नोटिफिकेशन निकाला है 41 पेज का, और इस नोटिफिकेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई है। ठीक है, सुबह में इस चीज़ को मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन बाद में जब इस चीज़ को डिटेल से पढ़ा तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई है। और ये जो TRP निकाला गया है, ट्रांसपेरेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है, प्रोसेस जो ये TRP का फुल फॉर्म है, ट्रांसपेरेंट रिक्वायरमेंट प्रोसेस, तो इसमें दोस्तों देखिए, पहले तो ये झारखंड पुलिस को लेकर निकाला गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अभी भी क्योंकि ये मान के चलिए कि ये 3 साल के लिए, क्योंकि ये जो सिलेक्शन होना है यहाँ पे, जिस भी कंपनी का सिलेक्शन होगा उसे 2 चीज़ों का यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस चलाना है। एक तो उत्पाद सिपाही का और दूसरा हो जाएगा झारखंड पुलिस का। ठीक है, और इसमें दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, कल का जो दिन है हम लोग का, वो भी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि 5 दिसंबर है कल। ठीक है, और 5 दिसंबर को दोस्तों झारखंड उत्पाद सिपाही का हाईकोर्ट में सुनवाई होना है, क्योंकि 13 सितंबर को दोस्तों हम लोग का सुनवाई हुआ था झारखंड उत्पाद सिपाही का, और उसके बाद दोस्तों झारखंड हाईकोर्ट ने सीधे 5 दिसंबर का एक लंबा समय दे दिया था। तो यहाँ बीच में दोस्तों अक्टूबर और नवंबर का 2 महीना हम लोग का निकल गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे थे, मुझे पता है, और बहुत सारे बच्चे रनिंग अभी तक छोड़ भी चुके हैं। ये भी एकदम 100% बात है, ऐसा मत सोचिए कोई भी कि हम रनिंग पे नहीं जा रहे तो कुछ गलत है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने जो है रनिंग पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और देखिए क्या गड़बड़ हुआ है, कि JCC ने जो है अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है, क्योंकि जो 13 तारीख का जो केस सुनवाई हुआ था उसमें झारखंड हाईकोर्ट ने कहा था कि आपने जो है उस वैकेंसी को क्यों आपने रद्द किया था, इसका पूरा ब्यौरा हमें लिखित रूप से चाहिए, लेकिन लिखित रूप से जो है अभी तक झारखंड हाईकोर्ट में जमा नहीं किया गया है। तो इसी चीज़ को दोस्तों हम लोग कल देखेंगे कि झारखंड हाईकोर्ट जो है वो क्या डिसीजन लेती है, अगर JCC या फिर झारखंड सरकार ने लिखित अभी तक जमा नहीं दिया, इसके बावजूद जो है झारखंड हाईकोर्ट जो है क्या डिसीजन लेती है, या फिर कल जो है झारखंड हाईकोर्ट में लिखित जवाब पेश होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो कल का दिन हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, और जब भी दोस्तों सुनवाई खत्म होगी उसके बाद मैं आपको अपडेट बता दूंगा। इसमें देखिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, कि ये जो यहाँ पे जिस भी कंपनी का सिलेक्शन होगा वो 3 साल के लिए होगा। यही कंपनी जो है अगर झारखंड उत्पाद सिपाही का जो केस है अगर नए कैंडिडेट की तरफ झुकता है, यानी कि जिन्होंने अभी फॉर्म फिलअप किया है उनके तरफ झुकता है, तो यही जो है इनका रनिंग कराएगी। क्योंकि झारखंड सरकार मुख्यालय जो है IG प्रोविजनल IG के तहत दोस्तों इसे निकाला गया है, वो चाहते हैं कि इसका दौड़ हो उत्पाद सिपाही का। ठीक है, तो यहाँ पर 3 साल के लिए इसका सिलेक्शन होना है कंपनी का, और वही कंपनी अगर नए कैंडिडेट के तरफ केस जाता है तो यही दौड़ कराएगी उत्पाद सिपाही का, अन्यथा जो है ये झारखंड पुलिस का दौड़ को कंडक्ट कराएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कि इस नोटिफिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दी गई है। तो यहाँ पे सेक्शन 1 पे आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ देखिए कि जो TRP है, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसपेरेंट रिक्वायरमेंट प्रोसेस, ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि जो रिक्वायरमेंट होगा उसमें अप्रॉक्स 3 लाख से 5 लाख नंबर हो सकते हैं। ठीक है, जो कैंडिडेट की संख्या है, कैंडिडेट की संख्या वो अप्रॉक्स कितना हो सकता है, 3 लाख से 5 लाख के बीच में कैंडिडेट की संख्या हो सकती है। यानी कि हम लोग मान के चल सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी अंदाज़ा लगाया था कि जो उत्पाद सिपाही का वैकेंसी उसमें कितने कैंडिडेट हो सकते हैं, तो अप्रॉक्स हम लोगों ने कहा था कि 5 लाख। ठीक है, और यही दोस्तों यहाँ पर भी दिया गया है कि अप्रॉक्स अगर कैंडिडेट की संख्या कितनी हो सकती है, तो 3 से 5 लाख के बीच में हो सकती है। लेकिन अगर मैं एक चीज़ बता दूँ कि अगर झारखंड पुलिस निकलती है तो यहाँ पर कैंडिडेट की संख्या मिनिमम अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो 6 से 8 लाख के बीच दोस्तों यहाँ पे जा सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अप्रॉक्स यहाँ पे 5 लाख दिया है झारखंड सरकार, झारखंड पुलिस जो मुख्यालय है उन्होंने कहा है कि 3 लाख से 5 लाख कैंडिडेट हो सकते हैं, जिनका जो है क्या क्या कराना है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, देखिए Part 3, ठीक है, ईच रिक्वायरमेंट प्रोसेस एट, यहाँ पे दिया है कि 700 से 1000 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर डे जो है बेसिस पे जो है यहाँ पे आपका सेंटर पर पहुंचेगा रनिंग के लिए। क्योंकि देखिए, मैंने पहले ही कहा है आप लोग को कि जो ये रनिंग होगा, क्योंकि ये RFID टेक्नोलॉजी के तहत होगा, तो RFID टेक्नोलॉजी के तहत दोस्तों एक दिन में ज़्यादा कैंडिडेट को यहाँ पे रनिंग नहीं करा सकता है कोई भी जो सेंटर रहेगा, जो भी सेंटर आपका रनिंग लेगा, वो एक दिन में दोस्तों ज़्यादा कैंडिडेट को नहीं दौड़ा सकता। तो मान के चलिए एक दिन में, यहाँ पे झारखंड सरकार मुख्यालय ने भी कहा है कि एक दिन में कितना कैंडिडेट वो लोग दौड़ में ले सकते हैं, तो 700 से 1000 कैंडिडेट का ही दौड़ एक सेंटर में हो सकता है। और मिनिमम कितने सेंटर हो सकते हैं आपके रनिंग के, वो भी चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो लगभग कहा गया है कि 12 लोकेशन, यानी कि लगभग 12 जिलों में जो है आपका दौड़ कंडक्ट होंगे।
तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को इससे पता चल जाता है कि कैंडिडेट की कितनी संख्या हो सकती है और एक दिन में कितने कैंडिडेट बुलाए जा सकते हैं और कितने जिलों में दोस्तों ये रनिंग जो है वो हो सकती हैं। तो यहाँ पे ये तीनों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हमें इस नोटिफिकेशन के माध्यम से दोस्तों पता चलती है। तो बेसिक तौर पे दोस्तों यही एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ था इस नोटिफिकेशन में, जो कि गौर से दोस्तों पढ़ने पे पता चला। और ये दोस्तों देखिए 30 अक्टूबर को ही दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ हो गया था, लेकिन जो सिग्नेचर है इसे होने में दोस्तों थोड़ा सा लेट लगा है मुझे लगता है, जिस कारण दोस्तों लेट से इसे प्रकाशित किया गया है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, अगर सभी चीज़ें ठीक रहता है दोस्तों तो आप लोग का जो है बहुत जल्द जो है आप लोग को हो सकता है कि उत्पाद सिपाही का दौड़ देखने को मिले, या फिर जब झारखंड पुलिस निकलेगा तो उसका दौड़ देखने को मिलेगा। और दोस्तों जो नंबर की संख्या है दोस्तों यहाँ पे देखिए ये और ये दो चीज़ें तो लगभग बदलने वाला है नहीं, ये 12 लोकेशन और ये, लेकिन कैंडिडेट की संख्या हो सकता है यहाँ पे इंक्रीज हो जाए, लेकिन ये 700 और से 1000 इतने कैंडिडेट एक दिन में बुलाएगी जहाँ पे भी दौड़ होगा। और लगभग 12 लोकेशन दिए हैं तो 12 लोकेशन में आपका दौड़ कंडक्ट होंगे, चाहे झारखंड पुलिस हो चाहे उत्पाद सिपाही हो। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी दोस्तों और काफ़ी लंबा है, इसे अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके और बारीकी से अगर पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते दोस्तों कल एक और नए वीडियो के साथ। फिलहाल दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना कि RFID टेक्नोलॉजी के तहत आपका दौड़ होगा और एक टैग लगा दिया, एक चिप जो लगता है उस चिप के तहत चिप लगा देता है, तो ये चीज़ अब कंफर्म हो गया। आप लोग देखिए यहाँ पे कि RFID का इस्तेमाल यहाँ पे होगा, साफ तौर पर दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ दिया गया है। तो एकदम तैयार रहिएगा, मैं पहले ही कहा था कि RFID के तहत दोस्तों दौड़ होगा और यहाँ पर पुलिस मुख्यालय ने भी दोस्तों इस चीज़ को अब कन्फर्म कर दिया है। तो एकदम तैयार रहिएगा, अगर दौड़ होता है तो उसी टेक्नोलॉजी के आधार पे दौड़ होगा। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ पे जो रनिंग रहेगा किस प्रकार से, तो यहाँ पे साफ कर दिया है कि जो मेल कैंडिडेट रहेंगे उनका 10 किलोमीटर का रेस होगा और जो फीमेल कैंडिडेट रहेंगी उनका 5 किलोमीटर का रनिंग होगा यहाँ पे। ठीक है, और लड़कों के लिए 60 मिनट और लड़कियों के लिए 40 मिनट। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और गौर करने वाली, जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं जो ये कह रही थी ना कि हम लोग का सर बहुत सारे यूट्यूब चैनल ये कह रहे हैं कि नहीं 30 मिनट का समय मिलेगा, तो ये दोस्तों गलत है। ठीक है, ये गलत है, मैंने बार बार आपसे कहा है कि 40 मिनट का ही समय मिलेगा, क्योंकि इसे दोस्तों जो IRB का वैकेंसी निकला था उसी टाइम से इसे जो टाइम है इसे इंक्रीज़ किया गया था, क्योंकि बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट फेल हो जा रहे थे। ठीक है, जिस कारण यहाँ पे टाइम को 10 मिनट इंक्रीज़ कर दिया था उसी टाइम से, तो उसी टाइम से ये अब 40 मिनट कर दिया गया है। तो एकदम कन्फर्म हो जाइए, अब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि आप लोग को जो है 5 किलोमीटर की दौड़ जो है फीमेल कैंडिडेट को उनके लिए 40 मिनट आपको मिलेंगी। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। ठीक है, देखिए PST दिया और PT दोनों दिया गया है, लेकिन उतना घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप लोग का जो है पहले जिस दिन आपका रनिंग होगा, ठीक है, उसी दिन हो सकता है कि आपका हाइट और चेस्ट की नपाई हो जाए। ठीक है, आगे यहाँ पे और एक दो चीज़ होंगे तो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें विशेष है नहीं, RFID टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा डिटेल से इसमें दिया गया है और काफ़ी दोस्तों लंबा है। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है काफ़ी लंबा है, तो इसे बारीकी से आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका जो लिंक है हम दे देंगे। और देखिए CCTV जो है चारों तरफ दोस्तों लगी हुई रहेंगी, तो बिल्कुल भी चीटिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। पूरा डिटेल में दोस्तों दिया गया है, 41 पेज का है ना, तो इसमें पूरा डिटेल में दिया गया है चीज़ों को, ताकि आप लोग को थोड़ा सा भी कहीं पे भी कंफर्म नहीं है। देखिए मैंने कहा था ना कि एक चिप लगेगा, देखिए यहाँ पे इस चीज़ को भी क्लियर कर दिया है, RFID चिप लगेगा। ठीक है, चिप लगेगा या फिर एक टैग होता है वो लगेगा, दोनों में से एक लगेगा। चलिए और कुछ विशेष है नहीं, यहाँ पे रनिंग जोन किस प्रकार से होगा वो दिया गया है, रनिंग जोन के बारे में दिया गया है। ठीक है, देखिए ये जो रनिंग होगा ना ये एकदम 100% मान के चलिए कि आप लोग का जो रनिंग होगा वो ग्राउंड में होगा। देखिए ये चीज़ भी यहाँ क्लियर, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न हो रहे थे कि रोड में रनिंग होगा कि हम लोग का जो है ग्राउंड में रनिंग होगा, तो जब भी रनिंग होगा चाहे झारखंड पुलिस या उत्पाद सिपाही का, तो ग्राउंड में ही होगा, ये चीज़ भी यहाँ पे क्लियर मेंशन है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कुछ चीज़ें दिया गया है कि स्टार्ट लाइन और फिनिशिंग लाइन के बारे में समझाया गया है, तो उन चीज़ों को ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि स्टार्ट लाइन और फिनिशिंग लाइन जो होता है उसमें पैदल नहीं चलना होता है, ये सभी चीज़ें बारीकी से समझाया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। और कुछ विशेष इसमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसे डिटेल में पढ़िएगा तो और कुछ चीज़ें आप लोग को मिल जाए।
कुछ है नहीं विशेष, ठीक है। सेक्शन 3 में और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दिया गया है तो बाकी जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं हमको लगता है कि ये जो है जो भी कंपनी सिलेक्शन लेगी उसके लिए है बाकी सभी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम लोग कल इस वीडियो को फिर से देखेंगे कि झारखंड उत्पाद सफाई वाला क्या नोटिस जो है आता है झारखंड हाई कोर्ट से, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में इतना ही चीज़ें जो है महत्वपूर्ण थी। मिलते हैं कल, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।